नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एंड न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनाल, मेरे साथ मौजूद है जिया और मनीष। शुरू करते हैं खबरों की, खबरों का साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड है और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने की सरकार और बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। आज सुबह 11 बजे 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी कुछ इस तरह रिकॉर्ड करते हैं रेडियो के मन की बात कार्यक्रम। मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मन की बात कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के दौरान किस तरह की तैयारी की जाती है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिकॉर्ड किया जाता है। इससे कई गुना बड़ी तैयारियां 100वें एपिसोड के लिए की गई है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर आज पीएम मोदी का 100वां मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का सबसे पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। तब से ये रेडियो कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। अब तक किए गए प्रसारण में सेल्फी विद डॉटर, घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन और कोविड के समय की गई प्रधानमंत्री की अपील बेहद सफल साबित हुई है। पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है। पीएम मोदी ने जब से मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है, तब से देश में रेडियो के श्रोताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। और साथ ही एक बार फिर आपको हम बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की सेंचुरी पर देखिए हमारी खास कवरेज सुबह 9 बजे से लगातार। गर्व के 100 लम्हे, उम्मीद की 100 कहानियां, उत्साह के 100 अल्फाज, सुकून के 100 पल, सीख की 100 तस्वीरें, समाधान के 100 नुस्खे, सिर्फ दिल की बात, 100 बात की मन की बात। तो मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी और सरकार ने रूपरेखा तैयार की है। पार्टी की तरफ से अपने सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों ने इस प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है। आम लोगों से लेकर बुद्धिजीवियों तक सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी के सभी लोकसभा सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक चुने हुए जगह पर लोगों के साथ इस प्रसारण को सुने। इस रेडियो प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी राज्यसभा सांसदों को भी ऐसे ही कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है। सभी सांसद करीब 1000 लोगों के साथ इस विशेष प्रसारण को सुनेंगे। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश भर में 2150 जगहों पर इस प्रसारण को सुनवाने का इंतजाम किया है। इसके जरिए 4 से 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता की आवाज सुनते हैं और सुनाते हैं। का 100वां एपिसोड है, हम लोग सभी सुनेंगे। यहाँ भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में हर विधानसभा में 100 से अधिक जगह होगा। देश में 4 लाख स्थानों पर होने वाला। और एबीपी न्यूज के 100 रिपोर्टर सुनाएंगे देश के 100 जिलों से। पीएम के मन की बात का 100वां एपिसोड, 100 जिले, 100 रिपोर्टर, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए देश में ही नहीं विदेश में भी काफी तैयारी की गई है। जी हां, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र में भी किया जाएगा। मुंबई में मन की बात के 100वें एपिसोड की पूर्व संध्या पर इस भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। लंदन में भी पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को खास बनाने की तैयारी की गई। पीएम कार्यालय से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह खुद लंदन में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गए। मन की बात इज एन आइकॉनिक फीचर इन इटसेल्फ, इन द सेंस दैट आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर मेमोरी दैट एनी हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी कार्यक्रमों की बात करें तो अब तक की जानकारी के मुताबिक देश के हर राज्य के राजभवनों में मन की बात कार्यक्रम सुनाने का इंतजाम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजभवनों में होने वाले कार्यक्रमों में उस राज्य के राज्यपाल के अलावा उस शहर और राज्य के करीब 200 गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। इन कार्यक्रमों में राज्य के उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने किसी न किसी मन की बात कार्यक्रम में लिया था। मन की बात के 100वें एपिसोड का संयुक्त राष्ट्र में भी प्रसारण किया जाएगा। मन की बात, जैसा मैंने कहा कि गांव से निकल करके, कस्बों से निकल करके आज यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर अगर ब्रॉडकास्ट हो रही है, ये भारत के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के शतक पर हमने भी की है खास तैयारी, देखना ना भूलिए। गर्व के 100 लम्हे,
उम्मीद की 100 कहानियां, उत्साह के 100 अल्फाज, सुकून के 100 पल, सीख की 100 तस्वीरें, समाधान के 100 नुस्खे, सिर्फ दिल की बात, 100 बात की मन की बात। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।